हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन टाइम? वेल, मेरा ये टाइम बहुत बिजी भी चल रहा है और इंटरेस्टिंग भी चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर मैं ऐसी बहुत सी नई नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ जो आज से पहले मैंने कभी नहीं की थी, और इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज। कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे इस लॉकडाउन टाइम में जो मुझे बहुत बेनिफिट किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ आपको भी उन चीज़ों का फ़ायदा हो सके। आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो मेरे लिए कम से कम एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ उसे शेयर कर सकूँ, वो लोग भी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। तो कैसा होगा अगर मैं आपको ये बताऊँ कि सिर्फ इस एक चीज़ को कर लेने से आप अपनी आधे से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को इंटरनली क्लीन कर सकते हैं, पूरी बॉडी की सफाई कर सकते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो डबल हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डबल हो जाएगी, आपको ज़रूरत से ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जिसका मतलब है कि जो मील्स के बीच में आप इतना एक्स्ट्रा खाते हैं वो एक्स्ट्रा भूख नहीं लगेगी, जिससे कि आप जंक खाने से बचेंगे और उससे वेट लॉस होगा। अगर आपका वेट अटका हुआ है, बहुत टाइम से वेट कम नहीं हो रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी कम होने लगेगा। इसके अलावा आपके स्किन में भी ग्लो आएगा और आप ओवरऑल बहुत ही एक्टिव फील करोगे। तो गाइज, मैं बात कर रही हूँ डिटॉक्स की। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी में से जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं उनको बाहर निकालना, जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से क्लीन कर देना, फ्लश आउट कर देना, ताकि हमारी बॉडी क्लीन हो जाए। जो डिटॉक्स है वो दो तरह का होता है, एक हमारी बॉडी का डिटॉक्स होता है और एक हमारे माइंड का डिटॉक्स होता है। तो आज मैं बॉडी के डिटॉक्स की बात करने वाली हूँ, और अपनी अगली वीडियो में मैं माइंड के डिटॉक्स की बात करूंगी कि क्या होता है माइंड का डिटॉक्स और क्यों जरूरी है। ओके, तो पहले समझते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करने का मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है, और फिर ये समझेंगे कि इसे कैसे करना है। तो डिटॉक्स का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स जमा हो रही हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, या जो भी अनहेल्दी सब्सटेंसेज हैं जो शरीर में जमा हो रही हैं, उन्हें बाहर निकालना। जो भी गंदगी जमा हो रही है शरीर में उसे साफ कर देना, बाहर निकालना। और वैसे भी इस लॉकडाउन के टाइम पर तो आजकल हर कोई मास्टर शेफ बना हुआ है, रोज रोज घर में नई नई चीजें बन रही हैं, नई नई रेसिपीज ट्राई हो रही हैं, और जितना हम पहले खा रहे थे उससे कहीं ज्यादा अब खा रहे हैं और कहीं ज्यादा अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं। तो इसलिए इस टाइम पर तो ये डिटॉक्स और भी ज्यादा जरूरी है, राइट? इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों से हम खा पी रहे हैं, हमने कभी ऐसा कुछ डिटॉक्स के बारे में सुना नहीं है, सोचा नहीं है, और सब ठीक ही तो चल रहा है, हमारा काम तो चल ही रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है डिटॉक्स करने की? तो आपको यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि जो टॉक्सिन्स आपके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, जो आज तक टॉक्सिन्स जो थे वो जमा हो रहे हैं बॉडी में, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं या जिन्हें आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। जैसे कूड़ा होता है वो इकट्ठा होता जाता है, सड़ता जाता है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, कितनी बीमारियों का रूप ले सकता है, और अगर आज सामने नहीं आ रहा तो हो सकता है फ्यूचर में जाकर कभी ना कभी किसी बड़ी बीमारी के रूप में आपके सामने आए। तो उस दिन से बचने के लिए, उस सिचुएशन से बचने के लिए अच्छा है कि आज ही हम अपने लिए कुछ अच्छे स्टेप्स ले लें, टाइम से कुछ स्टेप्स ले लें और इन चीज़ों को बड़ी बीमारी में कन्वर्ट होने से बचा लें। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर सिर में दर्द, रात को टाइम से नींद ना आना, या फिर चेहरे पर पिंपल्स, और बीमारियों की लिस्ट देखें तो बहुत ही लंबी है। और यही छोटी छोटी बीमारियां बाद में जाकर, आगे जाकर कैंसर तक का रूप ले सकती हैं। तो क्यों ना इनको समय रहते हम ठीक कर लें, और अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके ही हम इन बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, और इसी को समझना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉक्सिन्स आखिर हमारी बॉडी में आते कहाँ से हैं? आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन है, ना हम घर से बाहर जा रहे हैं, ना बाहर से कोई हमारे घर पर आ रहा है, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये क्या है ये टॉक्सिन्स जो हमारे अंदर जा रहे हैं? तो वेल, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम सांस ले रहे हैं उस हवा से टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं कितना ही प्योरिफाइड क्यों ना हो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे अंदर जा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हमें मिल रहा है उसमें कितना पेस्टिसाइड होता है, उसमें से टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जो क्रीम्स हैं या डिओड्रेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, उन सब से भी जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, हर रोज़ करते हैं, दिन में दो दो बार करते हैं,
उसमें भी कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे अंदर जा रहे हैं। इसलिए ऐसे कितने ही सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है, चीज़ों की लिस्ट है, वो अनगिनत है। और ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं जिससे टॉक्सिन्स हर रोज़ हमारे अंदर जा रहे हैं। यही टॉक्सिन्स अंदर जाकर इकट्ठे हो रहे हैं और फिर बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो इनको टाइम रहते, समय रहते अपनी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसी के ऊपर आज ये वीडियो है, इसलिए अगर आप इसको समझ पाएँ और टाइम रहते ठीक कर पाएँ तो आप कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो भी टॉक्सिन्स आपके अंदर जाते हैं। और तो और अगर आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं, एक्सेसिव यूज़ अगर आप इनका करते हैं तो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने से या हवा से टॉक्सिन्स जा रहे हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो इग्नोर हो जाती हैं और इनसे भी टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जबकि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले ये हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, वो रेडिकल्स मल्टीप्लाई होते हैं और फिर बीमारियों में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक होने का खतरा बन जाता है। तो आप देख सकते हैं शुरुआत कितनी छोटी सी चीज़ से होती है और फिर करते 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 कितनी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। अगर हम उसको उसी लेवल पर एड्रेस कर लें, ठीक कर लें, तो कभी हमें ना दवाइयाँ खानी पड़े, ना डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना लंबे चौड़े इलाज कराने पड़े और ना ही हमें इतने पेन से गुजरना पड़े। सो वॉट इज़ द बेस्ट वे टू डिटॉक्स? यस, इट इज़ फास्टिंग। हर रिलीजन में, हर धर्म में फास्टिंग के बारे में बात की गई है, फास्टिंग की इम्पॉर्टेंस बताई गई है, लेकिन आज के टाइम में ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। रिलीजन से ऊपर इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि फास्टिंग जो है वो स्पिरिचुअली तो हम करते ही हैं, लेकिन अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए भी उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और हर फास्टिंग में यही बताया गया है। कोई भी फास्टिंग के रूल्स आपको ये नहीं बताते हैं कि आप कोई फैंसी फूड्स खाओ या आप चिप्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, ये सब करो। फास्टिंग का मतलब है कि अपनी बॉडी को रेस्ट दो, अपने बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दो, ताकि जो आपकी बॉडी है उसमें रिपेयर का काम हो सके, रीबिल्डिंग का काम हो सके, और जो है आपके ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिले और एक फ्रेश तरीके से वो काम कर सके। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस धर्म का फास्ट ये कहता है या इस धर्म का फास्ट ये कहता है। जहाँ से भी कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिले जिससे हमें फ़ायदा होता है, वो चीज़ हमें पकड़ लेनी चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए, हमें उस फास्टिंग के बेनिफिट्स देखने चाहिए। लेकिन कोई भी नाम हो किसी भी फास्ट का, उसका जो एम है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना है, हमारे माइंड को प्योरीफाई करना है, और यही एक फास्टिंग का जो फ़ायदा है। और आपको किसी भी फास्टिंग का पूरा फ़ायदा तभी मिलता है जब आप अपने माइंड को रेस्ट देते हो, अपने बॉडी के सिस्टम्स को रेस्ट देते हो, रिलैक्स करते हो, और फिर जब आप वापस आते हो अपने काम पर तो आप डबल एनर्जी के साथ वापस आते हो। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, वो फास्टिंग के थ्रू अपनी हर बीमारी का इलाज कर लिया करते थे। एटलीस्ट ज़्यादातर बीमारियाँ जो हैं वो सिर्फ बॉडी को रेस्ट देने से, फास्टिंग मोड में जाने से ठीक हो जाया करती थी। और वही रूल्स हम आज उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि हम उनको भूल चुके हैं। आज हमें ज़रा सा सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, हम दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पहले लोग ऐसा नहीं किया करते थे और आजकल लोग वापस उन्हीं चीज़ों पर आ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों की रेलेवेंस अगर हम देखें तो हमें अपने ग्रंथों में मिलती है, वेदास में मिलती है, कि जो अपनी बॉडी को हील करने का जो बेस्ट तरीका है वो फास्टिंग है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि फास्टिंग से आखिर होता क्या है। जब हम फास्टिंग मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी में एग्जैक्टली चल क्या रहा होता है। अब फास्टिंग बहुत तरीके की होती है। कई लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, कई लोग सिर्फ जूसेस पीते हैं, कई लोग सिर्फ पानी पीते हैं और कितने ही दिन इसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग जो हैं सिर्फ लिक्विड डाइट पर आ जाते हैं। तो फास्ट बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ, जो मैंने इस लॉकडाउन टाइम पे जो ट्राई किया था वो नो सॉलिड्स फास्ट था। उसमें उसकी डिटेल्स पर मैं आऊँगी, पर मैं बताना चाहती हूँ पहले कि ये काम कैसे करता है। आप अपनी बॉडी को कुछ खाना नहीं दे रहे हैं, या ऐसे मान लीजिए कि आप कुछ सॉलिड्स नहीं दे रहे हैं, कुछ भी फाइबर्स या सॉलिड्स जो है वो आप नहीं दे रहे हैं। तो आपकी बॉडी में जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, हर रोज़ ग्रो कर रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। जितने दिन आपने फास्ट रखा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपको उस जो बैक्टीरिया है आप उसको फीड नहीं कर रहे हैं, उसको खाने को नहीं दे रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, वो बैक्टीरिया मर जाएगा। इट विल डाई अ नेचुरल डेथ। उसको खाने को नहीं मिल रहा है, वो खाना मांग रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसको खाना नहीं दे रही है। तो इट विल डाई अ नेचुरल डेथ, वो मर जाएगा और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और इसी प्रोसेस से आपकी सारी बीमारियां ठीक होती हैं।
कहा जाता है कि अगर आप 2 से 3 दिन की फास्टिंग रखते हैं और आप कुछ सॉलिड्स नहीं खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो है वो सारे जर्म्स और वो जो सब बैक्टीरिया है वो मर जाता है, वो मल्टीप्लाई नहीं करता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ आपकी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं और बॉडी से वो बैक्टीरिया बाहर निकल जाता है। ये फ़ायदा है डिटॉक्स करने का और बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करने का कि आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी अगर आप टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को इस तरह से क्लेंस करते रहेंगे। तो जब आप 2 से 3 दिन तक कुछ सॉलिड फूड्स अपनी बॉडी को नहीं देते हैं तो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी खुद रेस्ट मिलता है। इतने सालों से आप खाए जा रहे हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने काम पे लगा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के, तो उसको भी रेस्ट मिलता है जब आप कोई सॉलिड फूड्स अपनी बॉडी में नहीं डालते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, हीलिंग का प्रोसेस होता है, रिप्लेनिश होता है, सारे सेल्स जो है वो रीबिल्ड होते हैं, पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एकदम नए हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, रीबिल्ड होते हैं, रिपेयर होते हैं और आपकी बॉडी एक तरह से नई एकदम क्लीन बॉडी हो जाती है, एक्टिव महसूस करते हैं आप, सब कुछ एकदम नया जैसा हो जाता है। जो आपके ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, लिवर है, किडनीज है, जो भी ऑर्गन्स हैं पूरी बॉडी के सब जो है एकदम क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलता है, अदरवाइज तो हम बस खाए जा रहे हैं। इसीलिए ये ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस लॉकडाउन से अच्छा टाइम कोई हो नहीं सकता इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है अपने लिए। जब हम वापस अपनी बिजी लाइफ में जाएंगे, अपने ऑफिसेज में, अपनी जॉब्स में, तो नेचुरली फिर ये टाइम निकालना मुश्किल होगा, लेकिन अभी वो टाइम है जब हम अपने आप को दे सकते हैं, अपनी हेल्थ को दे सकते हैं, राइट। तो बात करते हैं इस फास्ट की जो मैंने किया था। तो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि आपने इसमें बिल्कुल भूखे रहना है, आपने खाना है लेकिन सिर्फ हेल्दी खाना है और इनफैक्ट पहले से ज़्यादा खाना है, तो इसलिए भूखे रहने वाला प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, सो इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि क्या है इसके जो रूल्स हैं। पहली चीज़ ये है कि आपने सॉलिड्स नहीं खाने हैं, आपने कोई भी सॉलिड नहीं खाना है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लिक्विड्स ले सकते हैं, आपने लिक्विड्स लेने हैं लेकिन आपने उसमें सिर्फ वेजिटेबल जूसेस लेने हैं। फ्रूट्स भी डाल सकते हैं बट लार्जली मेजरली आपने वेजिटेबल जूसेस लेने हैं, पहली चीज़। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, यानी कि फ्रेश नारियल पानी ले सकते हैं, और तीसरी चीज़ जो लेनी है वो है प्लेन पानी। बस ये 3 चीज़ें हैं जो आप इस फास्टिंग में ले सकते हैं। आजकल लॉकडाउन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, कुछ कुछ सब्जियां ना मिलें, कुछ कुछ फ्रूट्स ना मिलें, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जो सब्जियां मिल रही हैं जिनसे कि जूसेस बन सकते हैं, हेल्दी जूसेस बनाने हैं, वो वेजिटेबल्स से आप जूस बना लें। इसके अलावा नारियल पानी है और प्लेन पानी है। इसके अलावा आपने चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, दही, छाछ कुछ भी नहीं लेना, कोई और लिक्विड्स, मिल्क शेक, स्मूदीज कुछ भी नहीं लेना है। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए कि विदाउट शुगर मिल्क ले लें या ग्रीन टी ले लें या हर्बल टी ले लें, कुछ भी और नहीं लेना है, सिर्फ वेजिटेबल जूसेस ही लेने हैं। फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं और कोकोनट वाटर लेना है और प्लेन पानी लेना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लेना है। तो पूरा दिन राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट आपने सिर्फ जूसेस लेने हैं, आपने कोई भी सॉलिड्स नहीं खाने हैं। ठीक है, जब मैंने इसको स्टडी किया था तो मेरा क्यों मन किया एक्चुअली करने का, मैं बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रही थी, स्टडी कर रही थी, बट कभी टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिकली इसको फॉलो करने का। अच्छा, मैंने आज से पहले कभी ऐसा कोई फास्ट नहीं रखा था जिसमें मुझे पूरा दिन सॉल्ट फ्री रहना पड़े, पूरा दिन नमक के बिना रहना पड़े। कई तरह के फास्ट किए थे जिसमें कि आप रात को खाना खा लेते हो या दिन में एक मील में सॉल्ट ले लेते हो, तो मेरे लिए सोचना ही बड़ा इम्पॉसिबल था कि पूरा दिन हमें नमक नहीं खाना है। बट यू नो, कुछ कुछ नए नए चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है, ट्राई करने चाहिए, तभी हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। सो आई थॉट कि ठीक है, हम इसको एज अ चैलेंज लेते हैं, लेट्स सी इफ आई कैन डू इट। एंड हो गया, बहुत इजीली हो गया, आई हैव टू से दैट कि बहुत इजीली हो गया। और एक दिन नहीं, मैं आपको बताऊंगी मैंने कितने डेज के लिए फास्ट किया था, सो वील कम टू दैट। बट अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपको मुश्किल लग रहा है ये फास्ट, तो मैं बता दूं कि अगर आपने भी आज से पहले कभी ऐसा ट्राई नहीं करा है तो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई, हो जाएगा। अगर मैंने कर लिया है तो कोई भी कर सकता है। सो या, सो व्हाट्स द लर्निंग, कि आपको पूरा दिन सॉल्ट नहीं खाना है। इस फास्ट में आपने किसी भी जूस में सॉल्ट, शुगर नहीं डालना है। तो जो जूसेस हैं वो बेसिक जूसेस हैं, जो भी आपको मिल जाए वो आप बना सकते हैं। अलग अलग कलर्स के जूसेस आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर का जूस जिसमें आप बीट रूट्स वगैरह जो है चुकंदर डाल सकते हैं, देन ग्रीन जूसेस बना सकते हैं जिसमें आप पालक डाल सकते हैं, लौकी है, खीरा है, जो भी सीजनल चीज़ें आपको मिल जाएँ वो डाल सकते हैं।
और फ्लेवर के लिए धनिया पुदीना है, नींबू है, अदरक है, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, आंवला भी डाल सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। केला नहीं डालना, फ्रूट्स में आप कोई भी फ्रूट्स ले लें बट केला नहीं लेना। तो कलर्स की मैं बात करूँ, पिंक रेड हो गया आपका बीटरूट जूस बन जाएगा, उसके बाद ग्रीन जूस बना सकते हैं जिसमें आप ये हरी सब्जियां डाल के बना सकते हैं, पर्पल जूस बना सकते हैं जो कि अंगूर से बन सकता है, जामुन से बन सकता है, फालसे से बन सकता है, इसके साथ और कुछ फ्रूट्स मिला के येलो जूस बना सकते हैं जो कि पाइनएप्पल के साथ बन सकता है और कुछ वेजीज के साथ बना सकते हैं। तो आपने कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं। मैं भी आपको एक लिस्ट दे दूंगी जो मैंने जूसेस लिए थे, तो आपको जो भी इजीली मिल जाए आप वो ले सकते हैं। फ्रूट्स कम से कम, सपोज आपने बहुत सारी वेजीज ले ली तो उसमें आप एक एप्पल डाल लें या एक अनार डाल लें ताकि थोड़ी सी मिठास आ जाए जूसेस में। उतना ही फ्रूट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। सो ये है पूरा दिन जो है आपने ऐसे निकालना है। नाउ हाउ आई यूज टू बिगिन माई मॉर्निंग्स, अगर मैं अर्ली मॉर्निंग की बात करूँ तो सबसे पहले जो था गुनगुना पानी, अगेन जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो गुनगुना पानी लेना है। द नेक्स्ट थिंग आई यूज टू टेक वॉज कोकोनट वाटर, क्यों? बिकॉज सुबह उठते ही वो इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप सब्जियां काटो, फटाफट जूस बनाओ एंड ऑल, तो इसलिए मेरे लिए वो कन्वीनियंट था कि सुबह उठते ही मैं नारियल पानी ले लूँ। तो मैंने इस फास्ट के शुरू होने से पहले ही 3-4 नारियल ला के रख दिए थे, स्टोर कर लिए थे, ताकि डेली मेरे पास मॉर्निंग में एक नारियल पानी हो। एंड आई यूज टू बिगिन माई डे विद दैट, उससे इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाते हैं, आपको एनर्जी भी आ जाती है, एंड गेट बहुत मेहनत का काम नहीं होता सुबह सुबह जूसेस बनाने वाला। सो ये है। एंड देन फिर जब दिन शुरू हो गया तो आप जूसेस ले सकते हैं, हर 2 घंटे में 3 घंटे में आप जूस ले सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है कि दिन में हम कितने जूसेस ले सकते हैं। आप दिन में 5 से 7 बार जूसेस ले सकते हैं, लाइक एवरी 2 आवर्स यू कैन टेक अ जूस। और मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया था तो मैंने ये स्टडी किया था कि 5 बार पी सकते हैं, 6 बार पी सकते हैं, बट बाय द एंड ऑफ द डे जब रात को डिनर वाला टाइम आएगा 6, 7, 8 बजे तो आपका अपने आप मन ही नहीं करेगा, बिकॉज यू विल फील सो फुल, आपका पेट भरा होगा ऑलरेडी, आपका मन नहीं करेगा अलग से दोबारा जूस बनाने का। बट यू आर अलाउड टू हैव, इफ़ यू आर हंग्री, अगर आपको भूख है तो आप जूस ले सकते हैं। क्वान्टिटी, आई यूज टू हैव लाइक दिस बिग ग्लास, कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज चली जाएंगी अंदर अगर आप ज़्यादा भी पी लोगे। इट्स ऑल हेल्दी स्टफ जो हम खा रहे हैं, सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही हैं, तो थोड़ी सी कैलोरीज एक्स्ट्रा चली भी जाएंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये सब वेजिटेबल जूसेस ही हैं। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे आपको लगे कि आपका पेट भरा रहेगा, वो क्वांटिटी आप ले सकते हैं। तो मैं इतना बड़ा ग्लास, एक अच्छा क्वांटिटी में ग्लास ले लिया करती थी, एंड रात को डिनर में अगर लगे कि थोड़ी बहुत भूख है तो छोटा ग्लास बस, इससे ज़्यादा भूख लगती ही नहीं अंदर से। And let me tell you, these are very tasty juices. You look forward to it. आपका मन करेगा, and especially summers में मन करता है कि हम कुछ ठंडा, कुछ मीठा कुछ पिए, you know. So ऐसा नहीं है कि आपको वो juices का taste पसंद नहीं आएगा, and you won't feel like having it, कि हमें याद आएगा कि रोटी कहाँ है, चावल कहाँ है, ऐसा नहीं होगा। You'll actually enjoy this process. So do try it. So can we add salt? क्या हम नमक डाल सकते हैं juices में? No. Can we add sugar? Strictly no. चाट मसाला, पेपर, नो, नथिंग, हमें उसमें कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ नींबू का रस डाल सकते हैं और पुदीना, अदरक, ये सब चीज़ें आप फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं डालना है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स ईजी, इट्स डूएबल, इसे कोई भी कर सकता है और आपको मज़ा ही आने वाला है इसे करके। स्पेशली दैट फीलिंग यू हैव ना, कि आप अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से क्लेंस कर रहे हो, वही आपको इतना मोटिवेटेड रखेगी। अच्छा, इन जूसेस को बनाते टाइम एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इनको हमेशा फ्रेश बनाकर ही पीना है। जब भी आप जूस बनाएं उसको 15 मिनट के अंदर अंदर पी लें, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आप जूस को बना के रख देंगे तो वो उसमें कड़वापन आ जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो 15 मिनट के अंदर अंदर बना के उसको पी लेना है, ख़त्म कर देना है। थोड़ा बहुत बच गया है आप उसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें, लेकिन कोशिश करें कि फ्रेश ही पी लें। और 24 आवर्स से पुराना जूस नहीं पीना है, उसको आपने वेस्ट कर देना है, अगर बच गया तो वेस्ट कर देना है। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि हमारे पास जूसर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मिक्सर में, एक ग्राइंडर में उसको बना सकते हो। मेरे पास भी जूसर नहीं था और लॉकडाउन पे मुझे जूसर मिलना भी नहीं था, सो मैंने जो मिक्सर होता है उसी के अंदर जूसेस बनाए, उसको छलनी से छाना, एंड उस तरह से आप बना सकते हो। पहले दिन जो है ना, पहले दिन भी नहीं, पहले दिन का पहला जूस जब बनाओगे ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि आदत नहीं होगी, उसके बाद ऐसे फटाफट स्पीड बन जाएगी और आपको लगेगा कि नॉर्मल खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता था, जूसेस तो फिर फटाफट बन रहे हैं। एंड मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मैंने इसे 5 डेज करा था, यस, 5 दिन मैंने सिर्फ जूसेस लिए थे,
5 दिन मेरे घर में गैस ऑन नहीं हुई थी। ऐसे लगता था कुछ काम ही नहीं है करने वाला, बस जूसर 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 वही बार बार यूज़ हो रहा था एंड मज़ा आ रहा था करके। ऑनेस्टली आई वॉज एन्जॉइंग द प्रोसेस। सो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या इन जूसेस को छान के पीना है? येस, हमने इसका फाइबर छान के पीना है। क्यों? फाइबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये हम हमेशा बताते हैं कि जूसेस जो है फाइबर के साथ लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस फास्ट में हमें फाइबर नहीं लेना है क्योंकि हम अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दे रहे हैं। हमने बहुत लो कैलोरी न्यूट्रिएंट्स ही लेने हैं, इसलिए हम जूसेस को छान के ले रहे हैं ताकि कोई भी फाइबर ना जाए बॉडी पर, कोई भी बॉडी के लिए काम नहीं बढ़ाना हमें कि फिर से डाइजेस्ट करना है, इसलिए वो काम हमें नहीं करना है। तो बॉडी को रेस्ट देना है इसलिए हमने फाइबर्स नहीं खाने हैं। सो मैंने इसे 5 दिन के लिए किया था, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कितने दिन के लिए करना है फास्ट, ठीक है। स्पेशली लोग कहते हैं कि हमने आज से पहले इस फास्ट को कभी नहीं किया तो हम कितने दिन से स्टार्ट करें। तो हर फास्टिंग का एक रूल होता है, इस फास्टिंग का सिंपल रूल है और इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि जितने भी डेज की फास्टिंग आप करते हैं, सपोज आपने एक दिन का फास्ट करा है तो उससे आधा टाइम रखें उस फास्ट को ख़त्म करने के लिए। जैसे आपने आज फास्ट रखा है तो आज के पूरा दिन 24 आवर्स प्लस कल के 12 घंटे उसको धीरे 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 आपने ख़त्म करना है। जो फास्ट को ख़त्म करने का प्रोसेस है वो फास्टिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको ठीक से फॉलो करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वहाँ पर कोई गलती करी तो नुकसान भी हो सकता है बॉडी को, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है और समझ के करना है। तो जो मैंने किया था, मैंने 3 डेज का फास्ट रखा था और उसके बाद 3 दिन का हाफ कितना होता है? 1.5। तो 4.5 दिन मुझे लगे इस फास्ट को कम्प्लीट करने में, मतलब 3 दिन का कम्प्लीट फास्ट और बाकी का 1.5 दिन धीरे 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 वापस आना अपनी नॉर्मल डाइट पर। तो जैसे हमारा फास्ट आज ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही हमने चाय पीनी शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना है। इसको प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगी, उस प्रोसेस के साथ आपने उसको धीरे 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 ख़त्म करना है। क्या है वो प्रोसेस? 3 दिन आपने जूसेस लिए, मॉर्निंग इवनिंग नाइट आप 5-7 बार जूसेस 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 ले रहे हो। जो आपका 4th डे है, 4th मॉर्निंग है, उस दिन भी आपने अर्ली मॉर्निंग जूस लिया। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा फाइबर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे। तो अगर आप जूस पी रहे हो, जूस के साथ फाइबर रखो, उसको स्ट्रेन नहीं करना, छानना नहीं है, फाइबर के साथ ही जूस पीना है। वो पिया, 1-2 जूसेस वैसे पी लो, फिर रात आते आते जो है आप सैलड्स खा सकते हो, जो भी चीज़ों के साथ, सैलड्स के साथ, फ्रूट्स के साथ आप जूसेस बना रहे हो वही वाले, जैसे कि बीट रूट है या खीरा है, जिनके आप जूसेस बना रहे हो वही आपने खाने हैं, उनको आपने रॉ खाना है। आप चाहो तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हो और नहीं तो बिना सॉल्ट के खाओ। मैंने बिना सॉल्ट के करा था, 4th डे भी जो था बिना सॉल्ट के रखा था, लेकिन थोड़े थोड़े सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे क्योंकि बॉडी हमारी उस मोड में नहीं होती कि वो एकदम से खाना एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आपने 3 दिन जो है सिर्फ जूसेस पिए हैं, आपने बॉडी को बिल्कुल रेस्टिंग मोड में रखा है। अब आप अचानक से कुछ हैवी खाना शुरू कर दोगे तो बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और कुछ गलत रिएक्शन हो सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे आपने सॉलिड्स जो हैं वो वापस इंट्रोड्यूस करने हैं। तो जो 5th डे है, मॉर्निंग 5th डे, उस दिन भी आपने मॉर्निंग में जूस लेना है, फिर दोपहर आते आते कुछ हल्का, बहुत हल्का खाना है सॉल्ट के साथ, बहुत ही लाइट। जैसे कि मैंने जो था खिचड़ी बनाई थी, जैसे एक बोल खिचड़ी थी तो 2-3 पार्ट्स में 2-2 घंटे के गैप में खाई थी, पहले इतनी सी क्वांटिटी, फिर और थोड़ी सी क्वांटिटी सॉल्ट के साथ, ताकि धीरे धीरे हम, अगर कुछ रिएक्शन बॉडी को आना है तो पहले ही पता चल जाए, और हमें बहुत कम कम क्वांटिटी में खाया था ताकि कुछ भी रिएक्शन है तो टाइम से हम उसको डील कर सकें, एकदम से भर के नहीं खाना है। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, 5 दिन के बाद हमारी एपेटाइट ही बहुत कम हो जाती है, हम एक्स्ट्रा नहीं खाते। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लगेगी, लेकिन आप एक्स्ट्रा नहीं खाओगे एंड देन यू विल रियलाइज कि हम नॉर्मली हम कितना कुछ एक्स्ट्रा खा रहे थे जो कि बॉडी को नीड ही नहीं थी। हम आधे से ज़्यादा दिन जो है खाना बनाने में और उसके बारे में सोचने में निकाल देते हैं, लेकिन बॉडी को इतना खाना खाने की नीड ही नहीं है जितना हम बॉडी को खिलाए जा रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा भूख है ना, वो अपने आप हट जाएगी इन 5 दिनों के बाद। सो आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप इसको 5 डेज रखें, जितने भी आवर्स का फास्ट है उससे आधा टाइम उसको ख़त्म करने में निकालना है। तो जिसने 1 डे का फास्ट रखना है वो नेक्स्ट डे हाफ डे जो है धीरे धीरे ख़त्म करेंगे उसको, धीरे धीरे सॉलिड्स पे आएंगे और फिर धीरे धीरे जो है अपने नॉर्मल खाने पर आएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल के टाइम में जब हम इतना ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, लॉकडाउन है, घर पर है, कुछ भी खा रहे हैं, तो हमें हर वीक या 15 दिन में एक बार एक दिन के लिए ऐसा फास्ट ज़रूर करना चाहिए।
और अगर आपने आज से पहले ऐसा फास्ट कभी नहीं किया है तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ये 3 to 4 days का करो. 3 days इज एब्सोल्युटली सेफ. 3 days एक सेफ है और ख़त्म करते करते आपको नेचुरली 5 दिन हो ही जाएंगे, तो ये आप ज़रूर करो. एंड येस, कुछ लोगों को कुछ जो है क्लेंजिंग सिम्टम्स भी आ सकते हैं. वॉट आर दीज क्लेंजिंग सिम्टम्स? आप सोचो कि जो टॉक्सिन्स जो मैंने बताया बॉडी के अंदर है वो बाहर निकलने हैं. सो कैसे बाहर निकलने हैं, उनके लिए आउटलेट क्या है? तो एक हमारी ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, ये पहली चीज़. दूसरी चीज़, हमारा यूरिन है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, स्टूल है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और स्वेट जो पसीना आता है वहाँ से बाहर निकल रहे हैं. तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे ब्रीदिंग से बाहर निकल सकते हैं, हमारे स्वेट से बाहर निकल सकते हैं. लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ क्लेंजिंग सिम्टम्स हैं, जो कुछ लोगों को फीवर हो सकता है, कोल्ड कफ, ये कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे. तो आपने अगर ऐसा कुछ होता है तो घबराना नहीं है, ये नेचुरल चीज़ें हैं बॉडी में. नेचुरली हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे तो कुछ कुछ रिएक्शंस तो आएंगे, लेकिन ये आपके इकट्ठे हुए हुए टॉक्सिन्स ही हैं जो बाहर निकलेंगे एक तरह से, आप ऐसे समझ लीजिए. कई लोगों को कुछ नहीं होता है और कुछ लोगों को कुछ कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं. मेरे केस में मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं आए थे. मुझे पहले दिन जो है शाम को हल्का सा हेडेक फील हुआ था, बिकॉज मैंने कभी सॉल्ट फ्री पहले किया नहीं था जैसे मैंने बताया आपको, तो थोड़ा सा हेडेक था. तो बस आई जस्ट हैड वाटर, पानी पी के थोड़ा सा रेस्ट करा और वो ठीक हो गया था. मतलब बहुत माइल्ड था, ऐसा नहीं कि मुझे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ी थी, बहुत ही माइल्ड. और फिर मैंने अपना फास्ट वापस रिज्यूम कर लिया, पानी वानी थोड़ा सा पिया, उसके बाद वापस जूसेस पे आ गए और वो नॉर्मल रहा. लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है. तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आए तो आपने भी दवाइयाँ नहीं खानी है, आपने सिर्फ पानी पीना है और रेस्ट करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है. बट इट्स बेस्ट टू लिसन टू योर बॉडी. हर एक की बॉडी अलग है, इसलिए हर एक को अपनी बॉडी के हिसाब से चलना चाहिए. तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा फास्ट नहीं हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप उसको वहीं पर रोक दें और नेसेसरी स्टेप्स लें, ये मैं कहना चाहूँगी. लेकिन अदरवाइज़ इसके कोई नुकसान नहीं है, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का और किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता इससे. अच्छा, किन लोगों को ये फास्ट नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये फास्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको भी ये फास्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बड़ी एज के लोग हैं उनको भी फास्ट नहीं करना है, जिनको डायबिटीज़ है या जिनको बीपी के इश्यूज़ हैं वो लोग भी ना करें, जिनको जिनकी लो इम्यूनिटी है या जो किसी मेडिकल कंडीशन से काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं उनको भी ये फास्ट नहीं करना है. इसके अलावा कोई भी इस फास्ट को सेफली कर सकता है. आप कम से कम एक दिन तो ट्राई करके ज़रूर देखें. और अगर आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली अगर आपने अपने आप को हील करना है, किसी बीमारी को ठीक करना है, तो कम से कम 3 दिन का प्रोसेस दें. इस 3 दिन में जो है हमारी बॉडी पूरी तरह से क्लेंज हो जाती है, अंदर से क्लेंज हो जाती है. अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि क्या हमें वीकनेस आ जाएगी क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे 3 दिन? तो गाइज, जब आप ये जूसेस बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सारा खा रहे हैं. जैसे मैं ग्रीन जूसेस बनाती थी तो ऐसे भरकर सब्जियां होती थी जो इन जूसेस में जाती हैं. हमारे पास इतना सा ग्लास आता है जूस का, बट अगर हम जब बनाएंगे तो हम रियलाइज़ करेंगे इतना सारा पालक, इतना सारा खीरा, इतनी सारी लौकी, इतना सारा जो है बाकी धनिया पुदीना चीज़ें हो गई, देन कैरेट्स हैं, बीट रूट्स हैं, कितनी सारी सब्जियां हैं जो पूरे दिन में हमारे अंदर जा रही हैं. तो हम नॉर्मल से ज़्यादा ही खा रहे हैं, शायद हमें पता नहीं चलता, हमें दिखता इतना सा जूस का ग्लास है बट उसमें न्यूट्रिएंट कितना ज़्यादा है. तो देखा जाए तो हम एक बहुत लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, हम मेनली विटामिंस और मिनरल्स ले रहे हैं और जो हमारी बॉडी में फैट्स हैं, जो ग्लूकोज स्टोर्स हैं, वो सारे यूज़ हो रहे हैं. हम अलग से कोई फैट्स नहीं खा रहे, लेकिन बॉडी जो हमारे अंदर का स्टोर्ड फैट है उसको यूज़ करके हमें एनर्जी दे रही है. इसी से हमारा वेट भी हिलता है, जो प्लेटो आ गया है, जो वेट कितने टाइम से हिल नहीं रहा था वो अब हिल जाएगा. और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका वेट स्टक हुआ हुआ है. तो यस, मैं ये नहीं कहूँगी इससे आपका वेट लॉस होगा, लेकिन जो स्टक वेट है वो ज़रूर मूव होगा. जब मैंने ये फास्ट किया था तो मेरे 2.5 से 3 किलो वेट कम हो गया था 5 दिन में. लेकिन ये आपका वाटर वेट होता है, ये नेचुरली जब आप कुछ खा नहीं रहे हो, कुछ भी सॉलिड्स नहीं खा रहे हो, तो आपका वेट तो कम होगा, लेकिन जब आप वापस अपनी डाइट पर आओगे तो वो वेट भी वापस आ जाएगा. तो प्लीज़ इसको इस इंटेंशन से ना करें कि आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं. ये जो फास्टिंग है ये वेट लॉस के लिए नहीं है. हाँ, इसका एक एडेड बेनिफिट है कि आपका वेट लॉस हो जाता है, लेकिन वो वेट कम होगा और फिर वापस आएगा जब आप नॉर्मल खाना खाना शुरू कर देंगे. लेकिन जो स्टक वेट है वो ज़रूर मूव हो जाएगा. कई लोग कहते हैं ना, हमारा वेट हिल नहीं रहा है, अभी तक तो कम हो रहा था, एक पॉइंट पे आके अटक गया है. तो वो अटका हुआ जो वेट है ना वो हिल जाएगा, और इसके बाद से जब आप एक्सरसाइज करोगे और हेल्दी डाइट खाओगे तो वो वेट फिर कम होना शुरू हो जाएगा.
सो वॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस डिटॉक्स डाइट. जैसे मैंने बताया कि आपने इसको वेट लॉस के लिए नहीं करना है, बट हाँ आपका जो स्टक वेट है वो मूव हो जाएगा, दैट इज वन. दूसरी चीज, आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लेंज हो जाएगी, आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अंदर से क्लीन हो जाएंगे, पूरी बॉडी एक तरह से नई हो जाएगी, फ्रेशनेस फील होगी आपको. एंड तीसरी चीज, जो आपकी स्किन है वो ग्लो करेगी नेचुरली, जब सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगे. जब आप इतना हेल्दी खा रहे हैं, आप तेल घी मसाले कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहे हैं फ्रेश फॉर्म में, वेजिटेबल्स को पका के भी नहीं खा रहे हैं, आप रॉ फॉर्म में उनको खा रहे हैं, तो नेचुरली आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी. आप एक्सपीरियंस करके देखें, जब आप बाहर जाएंगे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, और ये चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व करी हैं इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ. आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी महसूस होगी, इसके साथ साथ आप बहुत एक्टिव फील करेंगे. फास्टिंग डेज पर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी एनर्जी लो लगे, खासकर पहले दूसरे दिन, बिकॉज हमारी बॉडी को आदत नहीं होती इतना लो कैलोरी डाइट लेने की. तो यस, हो सकता है कि आपको एनर्जी में थोड़ा सा डिप लगे, आपको लगे कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपना काम जो है वो उतनी एनर्जी से नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन जब आप इस फास्ट को कंप्लीट करके अपनी नॉर्मल डाइट पर आएंगे तो आपको एक फ्रेशनेस फील होगी, आप एक्टिव फील करेंगे, एनर्जी फील होगी. सो हाउ टू मेक दिस फास्टिंग डूएबल, कैसे हम इस फास्टिंग को ईजी और फन बना सकते हैं? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप ग्रुप में करें, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में व्हाट्सएप पे कुछ कर सकते हैं, आजकल तो जूम मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पर आप ग्रुप में कर सकते हैं, फैमिली के साथ मिलके कर सकते हैं. तो उसमें क्या रहता है कि आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं तो वो ईजी हो जाता है, दैट इज़ वन. दूसरी चीज़ है कि कीप इट वेरी सिंपल, आपने स्ट्रेस नहीं बनाना है कि मुझे जूसेस बनाने नहीं आते हैं या मेरे पास जूसर नहीं है. आपको जो सब्जियां मिल रही हैं आप उसके साथ जूस बना सकते हैं. बेसिकली द आइडिया इज़ कि आपने वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में खाना है, कच्ची सब्जियों को आपने खाना है, विदाउट फाइबर खाना है, इसलिए हम उसका जूस बना रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि वो फैंसी जूसेस होने चाहिए, दो सब्जियों से भी जूस बन सकता है और पांच सब्जियों से भी जूस बन सकता है. जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट और टेस्ट आपको मिलेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कम सब्जियां हैं तो आप जूसेस नहीं बना सकते हैं. आपकी एनर्जी लेवल में कमी नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. इसलिए जूसेस का स्ट्रेस नहीं बनाना है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो मिल रहा है उससे आप जूसेस बना लें. इसके साथ साथ ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना है आपने पूरा दिन, बीच बीच में जब भी आपको भूख लगे तो आप पानी पीते रहें और अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखें. बार बार खाने के बारे में ना सोचें. अगर आप सोचते रहेंगे कि बाकी लोग तो ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और मैं जूसेस पर हूँ, तो ऐसे नहीं करना है आपने. यू शुड फील गुड अबाउट इट. इवन जब मैं अपना फास्ट कर रही थी तो मेरे सामने भी यही होता था कि लोग रोज़ अपनी सोशल मीडिया पर खाने की चीज़ें पोस्ट कर रहे होते थे, कभी बर्गर्स आ रहे हैं, कभी गोलगप्पे आ रहे हैं, कभी पिज्ज़ाज आ रहे हैं. तब नया नया लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो लोग बहुत एक्साइटेड थे नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए. एंड ऑन दी अदर हैंड आई यूज टू फील कि हाँ यार ये तो मैं बाकी की ज़िंदगी भी कर सकती हूँ ना, पूरी ज़िंदगी पड़ गई ये सब करने के लिए. बट जो ये टाइम है ना लॉकडाउन वाला, ये टाइम मैं अपने लिए निकालना चाहती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं करी. एंड मे भी पता नहीं फ्यूचर में भी इन चीज़ों को करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ दिस. तो ये सब चीज़ें, रेसिपीज ट्राई करना, खाना पीना तो कभी भी हम कर सकते हैं, बट ये जो टाइम अपने लिए है ना ये बहुत ज़रूरी है. एंड आगे के लिए भी मैंने अपने लिए अब ये प्लान करा है कि अगर मैं 5 दिन ना भी निकाल पाऊँ तो कम से कम 1 से 2 दिन की फास्टिंग तो मैंने हर 15 दिन में करनी ही करनी है. अपने आप मोटिवेशन आती है जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो अपने आप मोटिवेशन आती है. पहली बार के लिए मोटिवेशन बस ये थी कि कुछ नया ट्राई करना था, अपने आप को चैलेंज करना था. एंड जब वो चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया ना, मुझे खुद पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने 5 दिन सॉल्ट नहीं खाया है एंड आई एम स्टिल अलाइव, और मुझे कुछ कोई सिम्टम्स नहीं आए, कुछ फीवर नहीं हुआ, कुछ कोल्ड कफ नहीं हुआ, एंड आई एम गुड एंड आई एम हेल्दी. तो और नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करा कि अच्छा ये कर लिया तो अब तो ये भी कर सकते हैं, यू नो. सो आप अपने आप को जब चैलेंज करते हो तो अपने आप मोटिवेशन आती है. सो दैट्स द थिंग. सो एक बार जब ये फास्ट कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है? अब आप इमेजिन करो कि आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, आपने इतनी मेहनत लगा के उसको पूरा क्लीन किया है, अब क्या करोगे? अब नेचुरली आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए. अपने अंदर अपनी बॉडी को डस्टबिन नहीं बनाना है कि कुछ भी डालते गए. हेल्दी चीज़ें खाओ ताकि बॉडी अच्छी रहे, वेट ठीक रहे, आपकी स्किन ग्लो करे, आपका माइंड एक्टिव रहे. तो हेल्दी रखो और हर 10 से 15 दिन में कोशिश करो कि एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन का फास्ट ज़रूर करो.
तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगली वीडियो में भी मैं कुछ बात करूंगी कि मैं कैसे माइंड डिटॉक्स कर रही हूँ। ये तो थी बॉडी को डिटॉक्स करने की बात, लेकिन जो इतनी नेगेटिविटी आजकल चल रही है उससे दूर रहने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके बारे में मैं शेयर करूंगी। ये जो जूस फास्ट है, अगर आप भी इसको करने के लिए मोटिवेटेड हो पाए हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट आई वुड रियली से कि एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट।